इस वजह से डेथ हुआ। पता नहीं कैसे पटकाया, ये फट गया, पूरा माथा खुल गया क्योंकि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। लो बच्चा 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 देखा, हाँ लग रहा है जड़ सुनार लग रहा है भगवान टाइप का, मगर मार सही रहा है बेटो। सामने सुपर बाइक का बाप RX 100। अरे साला, तो गाइस ये देखो अपना मीटिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं, लेकिन पता नहीं कितना लोग आया। अभी देखते हैं कितना लोग आया होगा, क्या क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि लोग ना बहुत लेट कर दिया है। प्रिंसिपल आया था, बोला भाई अभी तक कोई आया नहीं है, हम हो सकता है वापस जाएं, क्योंकि वो आधा घंटा पहले आया था। लगता है प्रिंसिपल जा चुका है। अपाची वाला यहाँ पहले कोई था? हाँ हाँ, कहाँ गया? एक अभी कहाँ गए भाई साहब, सब बल्कि एकदम फैन फॉलोइंग बना के रख ले। देख रहे हैं तो मेरा चैनल का नाम है थ्रिलर लाइफ। क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? राहुल। तो गाइस आप जरा चेक करो, ये स्कूटी से विली का बवाल मार रहा है, बस एक ही दिक्कत है हेलमेट नहीं पहना हुआ है। अरे रे रे वाह 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 वाह, मगर मार सही रहा है बेटे, क्या बाबा मार रहा है तो इतना आसानी से उठा ले रहा है ना, यही बहुत बड़ा बात होता है ना, ये सब नहीं करते तो मतलब आप नहीं आते, बस हवा निकल गई। ये साला बिल्ली मार रहा है, बहुत बवाल मार रहा है, बस एक ही दिक्कत है कि हेलमेट पहन के नहीं मार रहा है। हेलमेट पहन के मारो वरना साला लगता है ना तो आदमी निपट जाता है। लो बच्चा 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 देखा भाई साहब, अभी क्रैश होते होते उसका गाड़ी बचा, अभी सर पटकाता आराम से। अरे बच्चे लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो, भैया ऊपर से तक बैठा के बदमाशी नहीं। तुम लोग गाड़ी कैसे गिरा रहे? भैया ब्लॉग बना रहे क्या? भैया ब्लॉग बना ना सो बना नहीं रहे यार। हाँ यही वाला चैनल है? नहीं, मेरा चैनल का नाम है थ्रिलर लाइफ। तुम लोग इधर क्या कर रहे रे? घूमना, हम लोग से तो मिलने आए। तुम लोग का घर किधर है? हम लोग का घर हां उधर है। कितना दूर? यहां से 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर? तुम लोग गाड़ी उड़ी भी चलाते हैं खाली साइकिल है? किलो चलाते हैं हम लोग, गाड़ियों चलाते हैं हम लोग, सब चीज चलाते हैं। हेलमेट पहन के चलाते हैं? हाँ ना हेलमेट नहीं पहनते हैं, गाँव घर में चलाना है। अरे फिर भी तुमको एक बात बताएं, मेरा छोटा भाई इतना बड़ा होगा ठीक है, वही बाइक चलाता था गियर, हाँ गियर वाला बाइक, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इस वजह से ना उसका डेथ हो गया। अरे सच बात है, मेरा अपना छोटा भाई गाड़ी हम नहीं चलाते, वो तो चला गया ना बिना हेलमेट पहने हुए चलाया था, हेड इंजरी हुआ था, रांची में ही डेथ किया रास्ते में आते आते। तो बता तुम क्या चाहता है कि तुम निपट लो, मम्मी पापा को दुख दो? तुम मम्मी पापा से प्यार करता है कि नहीं करता है? करते हैं, मेरा फिर भी हेलमेट पहन के चलाना बे, मुद्दा ही नहीं है। तुम मरेगा तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कितना दुख होगा अगर तुम इकलौता बेटा, तो सोचो कितना दुख होगा। एक बच्चे का ना है। तो जब भी देखो मेरा हमेशा एक बात याद रखना, सुन 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 अच्छा ये सब मारगोली, हम अभी राइडिंग करने के लिए आए हैं, राइडिंग करने के लिए आए, हेलमेट है, ग्लव्स है, नी गार्ड है, जूता है। तो जब भी तुम लोग ये सब नहीं पहन सकते ठीक है, मगर हेलमेट पहनना मत भूलना, जब भी बाइक चलाओ कभी भी ये बात हमेशा याद रखना। सही बात आज बोले, सही बात नहीं गाइस, मेरा भाई का सच में डेथ हुआ है। हाँ? तो तुम फोटो दिखाएंगे ना यार, क्या बोले छोड़ो। हाँ वो सब मैं चलाते हैं। अच्छा रुको, वो सब भी चलाएंगे आप सब। वैसा चलाने की बात नहीं है रे बच्चा, देखो हम लोग ऐसा ऐसा चला, देखो गाड़ी चला साइकिल चलाने में कोई इशू नहीं होता ठीक है। गियर गाड़ी वो कल ही गिर रहा था, मैं 70 का स्पीड से पहुंच गई। हेलमेट पहन के चलाओ। हम लोग जब स्लिप पर गया यहां से वहां तक पिचर के चल गए। मेरा भाई पता है उसका गाड़ी का पंचर हो गया था चक्का, इस वजह से डेथ हुआ। पता नहीं कैसे पटकाया, ये फट गया, पूरा माथा खुल गया क्योंकि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। भैया वीडियो डालेंगे अपने भाई का, आई फोटो यार हिम्मत नहीं हुआ मेरा, फोटो फोटो है मेरे पर्स में है, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ मेरा कि हम उसका फोटो डाल पाए। तुम लोग क्या एज का था? बहुत बड़ा नहीं था। हाँ भैया बिल्ली ठीक है, लेकिन गियर्स पहन के मारो, अगर उसमें बिल्ली मारना है हेलमेट पहनो। तो भाई जरा इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो, चलो सुनो रे। अरे बवाल क्या मारा है, देख रहा है दिमाग लगाया है एग्जॉस्ट साउंड के लिए। एक हाँ लग रहा है जड़ सुनार लग रहा है भगवान टाइप का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाबा आवाज कर रहा है, ये बिल्ली मत मारो रे बच्चा, देखो हम नहीं मारते ना भैया, मत बैठे ये रिक्शा। अरे वो जगह ना जाबे रे, कहां जाबे रे, कहां जाबे, काहेला कहां बैरिया है रे? तो तुम लोग साइकिल उठा भागो, नहीं रुकेगा रे। बहुत लोग चला गया, हम साला अकेले इधर है पता है। आज हम सोच रहे हैं कि रैश ड्राइव नहीं करें, आराम से चलाएं। अगर आराम से नहीं चलाते तभी रुकते, तुम्हारे पास निकल ना जाते। हाँ चल चल बाय बाय। आज आप फाइनली पतरातू को देख ही लो चारों साइड से। मुझे ही मन कर रहा है आज पूरा पतरातू को एक्सप्लोर करने का। बाकी अब देखो यही है पतरातू। भाई के बारे में बात किया ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हमको, बस यही कारण है, इसलिए हम जल्दी ऐसा बात नहीं करना चाहते। मगर क्या करें, बच्चा लोग को समझाना होता है ना। मान लो वो गलत इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ मालूम है मेरे समझाने से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इवन ये पोर्शन हर कोई स्किप मार के चला जाएगा कि भाई ज्ञान दे रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि हम ज्ञान दे रहे भाई, मुद्दा ये है कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो चला जाएगा, लेकिन दिक्कत होगा तुम्हारा घर वाला को, अफसोस होगा तेरा घर वाला को। काश हम चेताए रहते, काश हम ये किए रहते। उसको थोड़ी पता है कि मेरा बेटा किस वजह से गया है, किसको इन्फ्लुएंस किया है, मेरा भाई किस वजह से गया है। क्योंकि तुम एक बात हमेशा कान में खोस के डाल लो कि जो भी इस दुनिया को एक बार छोड़ देता है ना, वो वापस कभी नहीं आता है इस दुनिया में। उसका डेथ हो जाता है, वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आता है। तो राइड करो, हम कभी मना नहीं करते। विल्ली भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसेंट प्लेस पे मारो, जैसे तुम यहाँ विल्ली मारेगा। कॉर्नरिंग करो लेकिन गियर्स के साथ करो, हेलमेट पहनो, और छपरी लोगों से तो इन्फ्लुएंस मत हो यार, बच्चा लोग को हम बेसिकली कहना चाहेंगे। और अगर कोई पेरेंट्स से ब्लॉग देख रहा है तो हाँ भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि मोटर ब्लॉगिंग है बहुत सही चीज़, बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आता है, स्पीड चलाने में बड़ा फील आता है, लेकिन तुम अपना बच्चा लोग को समझाओ। 18 साल से पहले गाड़ी ही नहीं दो। मेरा बात हो सकता है किसी को ख़राब लगे कि अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो बोल रहा होगा देख कैसा बोल रहा, 18 साल से पहले गाड़ी मत दो। अभी रिसेंटली एक छोटा बच्चा नहीं था, कितना साल का होगा वो, हद 13 साल, 12 साल भी होगा नहीं होगा उसका, 12 साल होगा। वो बोल रहा है भैया आपको आता नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हाँ भाई हमको नहीं आता है, हम नहीं मारते बिल्ली उल्ली, हमको डिसेंट राइड करना ज़्यादा पसंद है। हम ट्रैवल करते हैं, मज़े लेते हैं, रास्ते का फील लेते हैं, सब बकचोदी नहीं कर पाते हैं हम। मतलब अच्छा लगता है कि चलो बिल्ली मार रहा है, कितना कूल लग रहा है देखने में, सब्सक्राइबर आएगा, व्यूज़ आएगा, वो सब सेकेंडरी है भाई, जान प्राइमरी है। अगर जान है ना तो सब कुछ रहेगा, हम फेमस हो जाएंगे। ऐसा ही नॉर्मल ब्लॉग डाल के भी बहुत सारा है ना नॉर्मल ब्लॉगर, ब्लॉग करता है नहीं करता, बस कुछ यूनिकनेस होना चाहिए कंटेंट में, तो होगा यूनिकनेस। लेकिन बच्चा लोग को इन्फ्लुएंस मत करो। अगर तू विल्ली मार रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान में, यह बात हमेशा बोलो कि अगर तुम बच्चा है तो मत सीखो, 18 साल से पहले गाड़ी मत चलाओ। हर राइडर अगर ये इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना विल्ली मारते समय, या विल्ली अपना ब्लॉग में हर ये लाइन बोले, तो पता है बच्चा लोग गाड़ी चलाएगा, उसको पता नहीं है ना कि कब क्या डिसीजन लेना है। 18 साल होता है एक मैच्योरिटी एज जो सरकार ने निर्धारित करके दिया है कि हाँ इतना में आदमी मैच्योर हो जाता है, आदमी को समझदारी हो जाता है। लेकिन छोटा बच्चा को उतना समझदारी नहीं होता है, उसको लगता है जो अभी चल रहा है वही लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत बड़ा होता है, बहुत अलग टाइप का होता है। लो ज्ञान फैलते फैलते इतना दूर आ गए हैं हम, और तुम लोग स्किप भी मारा होगा बहुत कोई। चलो अपन यहाँ वेट करते हैं, थोड़ा धूप का मजा लेते हैं। ये लो बच्चा साइकिल से बिल्ली मार रहा है, अरे साला बवाल देख रहे हैं। अबे लौड़ू तुम हमको ये बताओ, भोसड़ी के तुम हमको छोड़ के कहे भागा है बे, किधर से इधर ही आ गए थे? वो ब्लड ग्रुप के लिए तुम्हारा ब्लड, अमा तुम्हारा A, B, -B साला आदमी कंफ्यूज जाएगा। इमरजेंसी में ब्लड कहाँ से मिलेगा तुमको? अपने सामने सुपर बाइक का बाप RX 100, और दोनों दबा के रैप मार। अरे साला कान या गांड सब फाड़ने वाला बवाल। चल ऊपर चलते ऊपर। आज पब्लिक लोग को बड़ा कम आया है बे, उतना फील नहीं आया जितना आता था जनरली। पतरातू इसलिए आता है ताकि पब्लिक लोग रहे, आज चला पब्लिक लोग है ही नहीं। चल देख अपना ग्रुप लोग इधर है, तुम आवाज़ सुन रहा होगा धीरे धीरे। साला क्या लगता है बे, वैसे हम ये चलाए हैं बहुत बाबा गाड़ी लगता है, आवाज़ बहुत सही आता है। ये देखो अपना प्रियांशु भाई निकला है सबसे आगे, गान फाड़ दे एकदम बवाल टाइप का, एकदम जेट 900 का बाप लगता है, बाप इतना बवाल आवाज करता है कि साला ऐसा में पावर है, बस एक्सीलरेटर देने के साथ ही सट्टा से फेंक देता है ऊपर। इधर पब्लिक लोग है क्या? अच्छा है, सुपर बाइक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है अपने पास ड्यूक 250, ड्यूक 390, NS 200, R15, FZ, BMW G 310 RR, R15, Z 900, BS 4 वाला। फिर से यह ड्यूक 390, R15, डोमिनार 400, RX 100 MT, बजाज पल्सर। ये मेरा बाइक है और ये NS मेरे बगल वाला का, ये है GT 650। और इधर ये लोग अलग ही ग्रुप में लगा हुआ है, जो कि है जेड एक्सटेनर, हायाबुसा जो पिछला बार आया था, ट्राइम का, और ये नहीं पता कौन सा है, निंजा 1000 है। अपन को तो एक कोई गाड़ी लेना पड़ेगा ना, सुपर बाइक। पता नहीं कौन सा लेंगे, वो नहीं जानते, लेकिन लेंगे जरूर। एग्जॉस्ट का आवाज़ सुनाओ, 10,000 की आवाज़ है, 5,000 बहुत भाई, बहुत हो गया गाइस। अभी G 1000 का हम लोग आवाज़ सुनने वाले हैं। अच्छा, G 900 का कौन सा एग्जॉस्ट है भैया इसमें? अबे कितना बड़ा जा रहा है यार, 3 को नड़ाइएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अबे ज़्यादा हो जाएगा बे देखो एग्जॉस्ट साउंड साला, अबे 3 को जा रहा है साले। अरे बाबा, लग रहा है आवाज, क्या पटाखा मार रहा है। जो भी काम रैप किया था फुल करते तो और मजा आता। देखो अपन पतरातू से वापस निकल रहा है, क्योंकि हमारा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो हम वेट कर लिया उधर। बहुत डर लगता है साला हमको कॉर्नरिंग बजाने में, गिर उड़ गया ना तो घोड़े लग जाएंगे, दिक्कत यही है साला। देखो गाइस आप रिएक्शन, ओ चिच्चा। वाह बेटे वाह, कतई मौज कर दिया। देख रहा है बकचोदी पेल रहा है गाइस, बहुत सही बहुत सही। आज अपना कंटेंट हो गया शूट गाइस। तो भाई देख, अभी हम प्रिंस का गाड़ी चलाने वाले हैं PKY ब्लॉक में। एकरा फबी का एग्जॉस्ट लगा हुआ भाई, थोड़ा आ गया तू। ये देख साला कॉर्नरिंग मारने के चक्कर में पूरा पैरवा घिस दिया है। जुतवा कितना महीना पुराना है तेरा? ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 2 महीना भी नहीं हो रहा, 2 महीना पुराना। अभी मेरा गाड़ी में कॉर्नरिंग नहीं मारेगा, पहले बता रहे हम। दोनों को नीतम मारा है, अभी नया जूता लेना होगा हमको। हमको लगता है ना इसको राइडिंग वाला शूज लेना चाहिए। और देखो इसका एकरा फॉबिच का साइलेंसर लगा हुआ है, बिना डीबी किलर का भाई, 3 उंगली चल जाएगा। मगर कोई इसमें अपना बाबूराव डालना चाहता है तो आराम से डालो, मत करो टूट जाएगा। चल अभी हम इसका बाइक चलाने वाले हैं और बवाल फील लेने वाले हैं भाई। इसका हमको पेट्रोल में संदेह लग रहा है। हाँ थोड़ा बहुत है भाई। तुमको यहाँ तक आवाज़ आ रहा है कि नहीं, लेकिन हमको बहुत बवाल आ रहा है। चला भाई, इसका वाइब्रेशन करता है, गांड फाड़ वाइब्रेशन है इसका गाड़ी में। गियर चेंज करने में थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन चल जाएगा। यह हम इसलिए चला रहे ताकि थोड़ा पब्लिक रिएक्शन मिलेगा इस, थोड़ा हम भी तो छपरीगिरी कर लें। तो लोग भी ऐसा ही छपरी बहुत कोई कमेंट करता भी था। यह मेरा गाड़ी नहीं है, PKY चचा का गाड़ी है। देखो आजकल मेरा गाड़ी वो चला रहा है, एग्जॉस्ट सुन लो, देखा ऐसा गांड फाड़ एग्जॉस्ट है। हम भी सोच रहे यार एक नया बाइक ले, उसमें ढंग का एग्जॉस्ट लगाएँ। 900 लेंगे, क्योंकि अभी जब तक हम लेंगे तब तक सुपर ड्यूक तो आने वाला से रहा, क्योंकि हमको नेकेड में सुपर ड्यूक थोड़ा पसंद आता है। कितना सिलेंडर है कोई बताएगा भाई? सुपर ड्यूक कितना सिलेंडर का है भाई? वाइब्रेशन बहुत करता है, गांड फाड़ वाइब्रेशन है इसका गाड़ी में। मेरा गाड़ी में तुम 80 के पास जाएगा तो नुन्नू वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसका हम तो बिना 80 पहले नुन्नू वाइब्रेट करने लगता है। एक चीज़ है, इसका गाड़ी का सिटिंग पोस्चर हमको थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। मेरा 4B है, ये थोड़ा नया रहता ना तो बहुत बवाल रहता, बहुत बवाल। नया वाला में तो बहुत बवाल है, थोड़ा वाइब्रेशन है। इसका माइलेज मेरा गाड़ी से बहुत सही रहता है। एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अपनी गाड़ी का ना नितम मार के रखा है एकदम इज्जत से। इसका गाड़ी 2019 मॉडल का, अभी तक 23,000 किलोमीटर चला है, और मेरा गाड़ी 23 मॉडल का और अभी तक 5,000 चल गया है। हम थोड़ा लंबा लेते ही बुचकूँगा, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है गाइस। तो स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल थ्रिलर लाइफ पर। ओहो बवाल चच्चा, हमारा गाड़ी साफ राफ कीजिएगा। हम लोग छपरीगिरी कब से करने लगे गाइस? देख लो भाई तुम लोग भी पतरातू। हम लोग तो बहुत बार आते जाते रहते हैं। लगता है घर के बगल में है, 40 किलोमीटर भले ही दो, लेकिन घर के बगल में एकदम नजदीके लगता है। क्या रे प्रिंस को अलविदा करने का टाइम। बाय रे प्रिंस, बाय बाय। अबे हम हमेशा आराम से चलाते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है भाई। ये वाला दे देता हूँ, अभी लेते जाओ। अब जब ये जैकेट दे रहा था वो भी देना पड़ेगा, अलॉय पैर वाला। कुछ हो ना, धीरे ना बस। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। हाय भाई, क्या हाल चाल? आज कंटेंट शूट नहीं किया क्या? कर लिया। हम निकल। तो भैया प्रिंस भैया के जो दोस्त थे वो आ रहे थे, इसलिए वो इधर ही रह गए। और मेरा जैकेट वैकेट और नी गार्ड सब ले लिए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कॉर्नरिंग बजाते हुए आएंगे। हम बोले आओ आराम से। फिर सोच रहे एक आध को बंदी मिल जाए यार। 14 फरवरी आ रहा है, तुम समझ रहे हैं ना। 14 फरवरी आने रहा है, 14 फरवरी आ गया है। और अपने पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है गाइस। गर्लफ्रेंड एक आध को तो होने को मांगता है ना। क्या क्या चाहता है कि मेरा फरवरी का मंथ जो रहता है वो ऐसा ही लौड़े लुसने में बीते। हम ये नहीं चाहते भाई। सेटिंग हो जाए मेरा। कोई है सेटिंग करने वाला तो कर लो मेरे साथ। अभी रिक्त स्थान है, अगर भर गया तो फिर टेंशन है तुम लोग के लिए। भाई अपना झारखंड का तो सीएमए चेंज हो गया। सीएमए गद्दार निकला भाई, जमीन घोटाला में पकड़ा गया। और हमको लगता है इसलिए राजपाल भवन अब खुला नहीं है, वरना फरवरी में खुल जाता है और लोग अंदर घूम भी सकता है। 14 फरवरी तक खुला हुआ रहता है। सोच रहे थे राजपाल भवन आके ब्लॉग बनाने का। अब देखो कब माहौल ठंडा होता है। हमको लगता है ठंडा उंडा होगा कि कभी बहुत पॉलिटिकली तनाव है झारखंड में, कह सकते हो तो। अबे विकास के नाम पे जो पेड़वा काटता है ना, हमको सबसे बकवास लगता है। पेड़ उड़ नहीं काटता तो ज़्यादा बेटर है। अभी देखो अपन पहुंच गए कचहरी चौक। मन कर रहा है डोसा खाने का, तो अभी डोसा उसा खाएंगे और फिर यहाँ से निकला जाएगा घर के लिए। भाई कचहरी चौक में डोसा बहुत सही रहता है। डोसा कैसे भैया? 50 हो गया, पहले तो 40 था ना भाई। हम बता रहे हैं वहाँ भी डोसा खाए हैं और यहाँ भी डोसा खाएँ, लेकिन हमको ये वाला डोसा ना ज़्यादा टेस्टी लगा। क्या नाम है इसका? आरोही इडली डोसा। तो अगर तुम लोग कचहरी चौक में डोसा खाता है ना तो ये जगह पे खाओ। रेट भी बहुत सही है, 50 रुपया, और भाई टेस्टी लगता है। ये दोनों डोसा हम खाएँ लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगा। वो भी खाएँ जहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है, और वो भी खाएँ वो भी बहुत बड़ी जगह भीड़ लगा हुआ रहता है, लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये लगा। पहली बार खाए लेकिन हमको अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। तो भैया जी मिलता है आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो यार। राधे राधे।